आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। आज आलमपुर में नगर परिषद अध्यक्ष मेहताब सिंह कौरव की अगुवाई में समूचे आलमपुर नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं आलमपुर से, जहां पर आलमपुर नगर परिषद अध्यक्ष मेहताब सिंह कौरव एवं उपाध्यक्ष श्रीमती शारदा टी त्रिलासी की अगुवाई में रैली निकाली गई है। इस मौके पर मुख्य रूप से पहुंचे लाह जनपद पंचायत के पूर्व विधायक प्रतिनिधि रमाशंकर सिंह चौधरी। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मध्यप्रदेश मार्केट के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदेश महामंत्री शिवनारायण दुबे बल्लू वकील एवं लाहौर जनपद पंचायत के विधायक प्रतिनिधि पूर्व रमाशंकर सिंह चौधरी तिरंगा यात्रा में पहुंचे, जहां पर भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस मौके पर रमाशंकर सिंह चौधरी लाहौर जनपद पंचायत के पूर्व विधायक प्रतिनिधि सभा को संबोधित किया। सम्मान करते आए हैं, जब यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग, हमारे दल के नेता इस देश की आजादी के लिए लड़े और इस देश इस तिरंगे के सम्मान के लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे। अपने बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलकर हम इस तिरंगे के सम्मान में हमेशा समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आज जनता पार्टी के लोग जो कभी अपने कार्यालयों पर तिरंगा का ध्वजारोहण नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे, आज वो लोग भी, उन्हें भी इस तिरंगे की याद आ रही है। लेकिन वह यह भूल रहे हैं कि हमारे देश की धरोहर, हमारे जो विरासत है, उनको बेचकर कैसे तिरंगा का सम्मान रख सकते हैं। इस समापन समारोह के अवसर पर दबों से पधारे हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, दो साल से हम बम चक्का रहे थे, जो देखो सब उनके किसी की दलाली चल रही, हम आवाज कराएंगे 10,000 हमें दे जाओ, हम आपके विवाह सहायता के पैसे डलवा देंगे 5,000 हमें दे जाओ। उन सब का काला मुंह नगर आलमपुर ने किया है और पूरे समूचे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, बचने दिया। और एक मैं आशा करता हूं कि भविष्य में 2023 में डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में समूचे संभाग में भारतीय जनता पार्टी का सफाई। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग चाहेंगे कि फूट डालो, लोग कहेंगे बदमाशी की बात है, जिस तरह से आपने विधानसभा में इसी तरह से 2023 में आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग एक लोग इच्छुक हो गए तो 13 है 2023 में विधानसभा में या फिर बनेंगे आरोप लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे सबसे ज्यादा वोटों से नगर पंचायत में जीत होगी। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय आलमपुर में आलमपुर नगर परिषद की अगुवाई में आज समूचे आलमपुर नगर में आज अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है और आज आज़ादी का जश्न मनाया गया है। बात करेंगे कांग्रेस परिषद के नए चेयरमैन मेहताब सिंह कौरव। मेहताब सिंह कौरव जी, आपकी जनता दल न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल के। मेहताब सिंह कौरव जी, इस बार आप निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, तो अपनी उपलब्धि को लेकर के किस तरीके से पार्टी को और जनता को आप? देखो, निर्विरोध के श्रेय के लिए तो डॉक्टर गोविंद सिंह को जाता है, उनकी की कृपा से ही जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। रही आगे विकास कार्यों की, तो उनके मार्गदर्शन में जो भी काम होंगे अच्छे काम होंगे और भ्रष्टाचार को बिल्कुल मुक्त किया जाएगा। इस 76वीं वर्षगांठ पे अपन जो है वादा करते हैं कि बिल्कुल विकास से जुड़ा रहेगा आलमपुर। मेहताब सिंह कौरव जी, अभी सुनने में ऐसा आया है कि जब प्रशासन यहाँ पर बैठा था प्रशासक, तो आवास को लेकर तमाम प्रकार को लेकर काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर उसकी कमेटी बना के और उसकी जांच करवाई जाएगी, जो गलत होगा उसको दंडित करने के लिए जो अपने स्तर से होगा वो अपनी कार्रवाई करेंगे और शासन के स्तर से होगा वो शासन को लिखी जाएगी। आलमपुर की जनता इस समय आवारा सुअरों से बहुत परेशान रहती है, ये आलमपुर की जनता का सवाल है। सबको बुला के पहले उनको सजेस्ट किया जाएगा,
कि इन पे बंधन करें, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अभी आलमपुर में देखा जाए तो आपका मोरेऊ बना हुआ है, और भी सुंदरता के लिए कुछ काम करने वाले? बिल्कुल प्रयास होंगे, और माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह के सहयोग से जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसको विकास करेंगे। मल्लाराव स्टेट की यहाँ पर भी बनी हुई है, तो उसके लिए कर्मभूमि है, उसके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल, वो तो यहाँ की मेन पहचान है आलमपुर कस्बे की। पुरातत्व विभाग तो अभी ले लिया, लेकिन मेन चीज़ जो है अहिल्या बाई का जो बना हुआ है उसके लिए जो भी होगा नगर पर पूर्ण सहयोग रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जन अदालत न्यूज पर मेहताब सिंह कौरव आलमपुर नगर परिषद के अध्यक्ष का स्टेटमेंट आ गया है कि निश्चित रूप से मल्लाराव होलकर की जो यहाँ पर कर्मभूमि बनी हुई है, आशित हुआ है कि उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय उसमें ट्रस्ट में ले लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी आलमपुर नगर परिषद उसके कर्ता के लिए और पूर्ण रूप से रखरखाव के लिए विकास की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मेहताब सिंह कौरव बने हुए थे, और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को सीधा उन्होंने श्रेय दे दिया है, निर्विरोध अध्यक्ष वो बने हैं और आलमपुर की जनता का भरोसा उन्होंने जीता है। जनता को तो काम ही दिखाएगा, जनता को काम अच्छे करेंगे, सबका सहयोग करेंगे, जो गरीबी रेखा में है उनके सबको दिया जाएगा, बिना भेदभाव के काम किया जाएगा। डॉक्टर गोविंद सिंह, हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने कहा कि जनता हमारी सब है, उसको सबको ही लाभ दिया जाएगा, ना भाजपा ना कोई पार्टी नहीं, जो वास्तविक गरीबी रेखा के नीचे है उनको दिया जाएगा। तो निष्पक्ष भाव से पात्र लोगों को लाभ दिलाया जाएगा, उसमें ना कांग्रेस होगी ना बीजेपी होगी, जो पात्र होगा उसको शासन की सभी योजनाओं का लाभ मेहताब सिंह कौरव देंगे, और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का भी सीधा निर्देश है कि सभी नगर परिषदें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भाव के जनता को सीधा लाभ देंगे, प्रशासन की सारी योजनाओं का लाभ मिले। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा यही कहना है सभी लोगों से कि 2.5 साल में जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, जिसने जो दलाली ली है चाचा के सौजन से, कमेटी बनाई जाएगी और जांच की जाएगी, और कोई भी वर्ग का हितकारी हो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी लोगों को आवास और हर योजना का लाभ दिया जाएगा, यही हम आशा करते हैं। हमारे साथ लहार जनपद पंचायत के पूर्व विधायक प्रतिनिधि रमाशंकर सिंह चौधरी और क्षेत्र के प्रभारी। हाल ही में जब कोरोना काल था तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आलमपुर नगर परिषद में देखने को मिला, लोगों ने शिकायतें की, इस पर कुछ हमको आपको लग रहा है? बिल्कुल, नई परिषद का गठन हुआ है तो निष्पक्ष कार्य होंगे, जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ दिया जाएगा, और पूर्व में जो भाजपा के प्रभाव में आकर नगर परिषद के कर्मचारियों ने गलत लोगों को, अपात्र लोगों को पैसे का लेन देन करके अन्यत्र तरीके से जो लाभ दिए उनकी जांच होगी, उन पर कार्रवाई होगी। नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।